मैं कितनी भूखी हूँ, मैं कितनी प्यासी हूँ, क्योंकि मैं भूखी हूँ ना बारा जी जाजी। ये है दीदी। दीदी के पास मैचिंग कपड़े खरीदने के पैसे हैं, पर खाना दीदी वो फ्री का खाती है। डोंट बी लाइक दीदी। अरे थाम्बा थाम्बा, नहीं 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 नहीं, दीदी के पास कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं है। दीदी पॉलिथीन बांध के काम चला रही है कपड़ों की जगह, वो भी गोल्डन कलर की। और दीदी के पास एक चीज जरूर है, हथियार, वो भी एक नहीं दो दो। वुमेन हैव टू वेपन्स, कॉस्मेटिक एंड टीयर्स, और गंदी गंदी इमोजी। और ये तो आप सबको पता ही है कि दीदी ने अपने हथियार कितने होशियारी से इस्तेमाल किए हैं। The moment I start talking, my eyes are starting watering and चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। तो इतनी नौटंकी की दीदी ने पर नहीं कर पाई 15 मिनट वेट। इतनी नौटंकी करी दीदी ने पर नहीं कर पाई 15 मिनट वेट। चाहिए था दीदी को फ्री का खाना और मिला क्या, फ्री की हेट। अच्छा मेरे जैसा कौन कौन है जिसको इस केस के बाद पता चला कि अगर जोमेटो का डिलीवरी लेट आती है तो उसके लिए हम खाना फ्री में खा सकते हैं। नहीं मैं तो ऐसा आदमी हूँ, मैं भूखा बैठा रहता हूँ, जैसे ही आता है फट से लेता हूँ। पैसे तो वैसे भी मैं कभी सीओडी करता नहीं उसमें, और तुरंत खाने बैठता हूँ। कौन देखता है टाइम की, लेट आया चलो फ्री का खाते, सामने वाला ला के दे दे रहा है घर में धूप में बारिश में, वही बहुत बड़ी बात है। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। पर हमारी दीदी जीती है मेंटोस जिंदगी, और इनकी जिंदगी एक फ्री सब्सक्रिप्शन है। प्रमोशन पैसे मिले, प्रमोशन फ्री के कपड़े मिले, प्रमोशन फ्री का मेकअप मिला, प्रमोशन पैसे मिले होंगे, प्रमोशन फिर से मेकअप मिला, प्रमोशन फिर से कपड़े मिले। दीदी को फ्री की आदत हो चुकी थी, ये कुत्ता भी शायद प्रमोशन से ही मिला होगा। लोगों के घरों में बच्चे पैदा होते हैं, पर दीदी के घर में प्रमोशन पैदा हुआ था। जब दीदी पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने भी बोला था, मुबारक हो आपके घर में मेबिलिन का फ्री प्रोडक्ट पैदा हुआ है प्रमोशन के साथ, और साथ में जोमेटो का आलू बुखारा सब्जी भी। नहीं पिज्जा मंगाया था, हाँ पिज्जा। जब तू पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था कुछ अजीब सा हुआ है। पर थाम्बा थाम्बा, जो भी हो दीदी ने गलत किया, और अब दीदी के ऊपर FIR भी हो चुकी है, जो कि हमारे कामराज भैया ने कर दी है। नहीं मतलब माना डिलीवरी बॉय है, पर मतलब ये नहीं है कि तुम लोग सब कामराज कामराज लिखते फिर रहो सब जगह। भैया है, बड़े हैं, अपन से एटलीस्ट इज्जत दो। उन्हें तो दी नहीं दीदी ने, और दीदी अब हो गई है फरार। हितेशा चंद्रानी जो है वो अभी बेंगलुरु सिटी को छोड़ चुकी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वहां से भाग गई है। और अब तो दीदी को इंस्टाग्राम पे इंसान नहीं घोड़े फॉलो कर रहे हैं। नहीं मतलब नाक टेढ़ी हो गई ना, तो घोड़ों ने सोचा अपनी प्रजाति की है शायद। जब दीदी को सारी दुनिया हेट कर रही थी तो उनकी खुद की प्रजाति आई आगे फुल सिंपति के साथ, घोड़ों की प्रजाति, जिन्होंने उन्हें फुल सपोर्ट किया। और अगर आप किसी घोड़े की प्रोफाइल में जाके देखते हैं तो वहां पे आपको 4-5 घोड़े और एक्स्ट्रा में देखने को मिल जाएंगे। तो प्रोफाइल पे हो रही है फुल घोड़े बाजी। पर मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहूंगा कि हम लोग तो रोस्ट कर देते हैं फनी बनाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, हंस के आगे बढ़ जाना चाहिए। पर कुछ लोग जो दीदी के कमेंट में और DM में उनको गालियां बक रहे हैं, हर कुछ बोल रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि आप अगर सोचो एक इंसान के ऊपर इतना सारा मेंटल प्रेशर पड़ेगा तो मतलब दिक्कत हो सकती है उसको। बाकी तो पुलिस के पास अब केस हो चुका है, तो पुलिस कहीं से भी दीदी की खरोची हुई नाक पकड़ के खींच के बाहर ले आएगी, जैसे इन प्रैंकस्टर्स को लाई है। जी हाँ, जेल हो चुकी है। ये अच्छा हुआ जेल चला गया, गंदे गंदे प्रैंक करता था। आज हम सबने पता है क्या करा, तुम्हारे ऊपर प्रैंक कर दिया हमने। प्रैंक चैनल पे नहीं, भाई काम के चैनल पे कहीं भी कर सकते हो, समझ रहे हो। लो भाई ये तो हम सबको प्रैंक कर दिया इसने हमारे ऊपर। लो भाई मैं तो फोकट ही खुश हो रहा था। पर चैनल तो जा चुका है, और अभी तो सिर्फ चैनल गया है, धीरे धीरे भैया भी जेल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 लोग जेल जा चुके हैं जो ऐसे प्रैंक करते थे। और बात सुनो जरा इसे अश्लील छमगन डोंगरे की, जो चीज सही है उसको सपोर्ट करो, गलत चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट मत करो, ठीक है भैया। और उसका नाम बदनाम करके आगे बढ़ना ये बहुत ज्यादा गलत बात है। अच्छा ओके भैया, क्या है ना? तो क्या हो गया, मैं तो तुम्हें उठा के भी ले जाऊंगा। अगर तुम भिखारी हो किस दे दो कुछ हो जाएगा, और अब तुम्हें बढ़िया लौंडा, अब तो उठा के ले जाऊंगा तुम्हें। हाँ भैया तुम तो लड़की की इज्जत बढ़ा रहे थे, इन लोगों के स्क्रिप्टेड प्रैंक के चक्कर में आजकल के निब्बे सच समझ लेते और सोचते हैं हर लड़की गोल्ड डिगर है, पैसों की भूखी है। उनकी वीडियो देखो तुम, इनने आखिर किस चीज के पैसे दिए इस चुनमुनी को।
अरे अरे आप खुजली क्यों कर रहे हैं? दांत खाज खुजली के लिए कुछ करते क्यों नहीं? अबे पेट है वो केक नहीं है, चाटते ही जा रहा है इतनी तड़प के साथ, तो कुत्ता अपने मालिक को भी नहीं चाटता जिस कदर ये उसके पेट में घुसे जा रहा है। अरुण भैया ने कहा था लड़कियां गोल्ड डिगर है, पैसे दो और पेट पे चुम्मी लो। हेलो, हाय, ये लो पैसे। क्यों? तुम्हारे पेट पे चुम्मी लेनी है मुझे। ए पागल है क्या? अरे पैसे दे तो रहा हूँ गोल्ड डिगर और क्या। कल से इसकी भी उतारनी पड़ेगी। ये सारे कुछ स्क्रिप्टेड रहते हैं, जैसे ये वीडियो स्क्रिप्टेड था ना, वैसे ही सारे वीडियो प्री प्लान रहते हैं। कोई फायदा नहीं है, बस लड़कियों को नीचा दिखाया जा रहा है। हाँ भैया आप ही बता दो कैसे करनी है लड़कियों की इज्जत। और एक तो इनका ये बैकग्राउंड म्यूजिक टियों 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 टियों। अरे ये क्या बना लिया है अंदर में? आलापुर में जय महाराज, जय काली माँ और डमरू। वाह क्या इज्जत करी है भैया ने, काले जामुन के सस्ते चूरन का नशा करता है क्या? नहीं पहले डिसाइड कर ले इज्जत करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि तेरी वीडियो में लड़कियों की इज्जत छोड़ के सब कुछ। तो दूसरों को ज्ञान देने से पहले ना खुद को ज्ञान लेना जरूरी है। कितना साफ अंदर से। और ऊपर से इसकी एक्टिंग देखो भैया, इन लोगों को एक्टिंग भी नहीं आती प्रैंक के नाम पे की स्क्रिप्टेड कर रहे हैं। कौन पगले लोग रहते हैं जो विश्वास कर लेते हैं कि ये प्रैंक रियल है? और इससे अच्छी एक्टिंग तो मर जाने या गाने में अपनी नेहा कक्कड़ दीदी ने करी है। एक बार नहीं रहना तो नहीं रहना, ओके बाय, मर जाने। नेहा कक्कड़ को एक बार रोते हुए भी बर्दाश्त किया जा सकता है, पर ऐसे नहीं रही न तेरी नल, मत रहो दीदी मत रहो। पर सीरियसली पूरे गाने में मैं ऐसे सुन रहा था और आखिरी में मैं ऐसा हो गया। क्यों क्यों किया ऐसा? नेहा दीदी की आवाज बहुत अच्छी है नो डाउट, जैसा कि हमारी नोरा दीदी ने बोला था, नेहा कक्कड़ इंडिया का जेम है और बिना नेहा कक्कड़ हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री कुछ नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना फिकर ना शर्म। ठीक है ठीक है ठीक है, उस हादसे की बात नहीं करेंगे, बहुत पुराना हो गया। बाकी गाना बहुत बढ़िया था, सेट बढ़िया था, रंगीन सा और अजीब से सतरंगी कपड़े थे, बढ़िया एक नंबर, मतलब मजा तो आया। और उसके बाद हादसे की बात आई गई है, तो हादसा हमारे साथ भी हो गया था स्ट्राइक वगैरह का, तो मुझे उम्मीद नहीं है इस वीडियो को ज़्यादा रीच मिलेगी, पर फिर भी मैं आप लोगों से विनती करता हूँ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि अगली वीडियो अगर यूट्यूब तुम्हारे स्क्रीन पर ना पहुँचाए तो एटलीस्ट नोटिफिकेशन में तो आ ही जाए, है ना। बाकी धन्यवाद, चलते हैं। मेरी नो तेरी नो, मेरे को ओवर एक्टिंग नहीं करना। मैरिडी कभी मैं पागल हूँ कभी मैं मेहनती, मुझे ना रोको मैं करूंगा तरक्की, मेरी रोक खाली है जरा निगरानी।